कोई एक ऐसे खुफिया एक रिपोर्ट था मैं क्रिस टेल्प में जिसने उस कहा भाई करी साहब यहां थे, उन्होंने हमसे तो नहीं उठाया ना, उस ना उन्होंने इसे पब्लिक में कहा। लेकिन दोनों अपनी नौकरी खो बैठे, मैकक्रिस्टल को भी निकाला गया और चक हेगल भी डिफेंस सेक्रेटरी नहीं रहे हैं अमेरिका के। दूसरी बात, इसलिए वो सोच समझ के बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे इस पे भी ये दिलचस्पी की बात है। दूसरी बात उन्होंने दिया था, ये दूसरी बात जब नॉमिनी बने थे ना, नहीं दूसरी बात ये बात तो सुन लीजिए, बयान दिया था मैंने आपको, डिस्कस नहीं किया कर रहा हूं तब भी उन्होंने मेरी बात तो सुन लीजिए। इट वाज फैक्ट। देखिए बात ये है, केरी साहब जब वहां थे तो उन्होंने आपको कहा आप ही के सरजमीन में कि चाहे वो कबू अफगानिस्तान हो चाहे वो, दोनों के दिल में आपके पाकिस्तान के खिलाफ शक है और इसलिए हक्कानी नेटवर्क अफगान तालिबान और लश्कर ए तैयबा को आप गिरफ्तार करके आप उन्होंने भारत में आकर तो ये नहीं कहा कि नहीं नहीं जो भी आप कर रहे हैं अफगानिस्तान में गलत है, उन्होंने यहां हमारे रोल को सराहना की अफगानिस्तान में। आप काबुल के किसी भी बाजार को जाइए, पूछिए किसी आम आदमी से काबुल में कि भाई हिंदुस्तानी क्या आपको कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो इत्तादी या इकोनॉमिक असिस्टेंस हम दे रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं, कब हमने उनके अंदरूनी मामलों पर हस्तक्षेप किया इंटरफेयर किया, कहेंगे कभी नहीं। किसी से भी पूछ लिया जी आप अफगानिस्तान में काबुल में आप जाकर इंटरव्यू कीजिए कि वो वहां माहौल कौन बिगाड़ रहा है, हम या आप। ठीक है, अच्छा ये वाजपेयी साहब, हमें कहा जा रहा है वक्त की कमी है लेकिन काइंडली